मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार 16 फरवरी को प्रदेशवासियों को देने जा रहे हैं ये बड़ी सौगात। दोस्तों स्वागत है आपका ज्ञान मित्रम न्यूज चैनल में और मैं हूं आपका ज्ञान मित्र कुलदीप पांडे। दर्शकों आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार 16 फरवरी को प्रदेशवासियों को देने जा रहे हैं ये बड़ी सौगात। तो क्या है पर मामला जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के अपडेट न्यूज सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें जिससे इस तरह के अपडेट न्यूज आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। चलिए दोस्तों बना समय हुआ है, शुरू करते हैं आज का विषय जो संबंधित है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार द्वारा दिए जाने वाली सौगात से। क्या है पर मामला आइए जान लेते हैं खबर को विस्तार से। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक 16 फरवरी को जबलपुर में होगी। बिजली मुख्यालय शक्ति भवन में होने वाली कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के प्रमुख मुद्दों के अलावा 1,000 करोड़ रुपए के शहर संबंधी प्रस्ताव रखे जाएंगे। बैठक दोपहर 12:30 शुरू होकर करीब 3.5 घंटे तक चलेगी। बैठक में मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूरा मंत्रिमंडल शामिल होगा। इस तरह विभागों के प्रमुख भी वहां पर आएंगे। यह पहला मौका है जब शहर में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। कलेक्टर छवि भरद्वाज ने बताया है कि संबंधित विभागों के माध्यम से बैठक की तैयारियों को अंतिम अंजाम दिया जा रहा है। प्रदेश में मंत्रिमंडल कैबिनेट की शहर में होने वाली पहली बैठक में करीब 1,000 करोड़ रुपए के मेगा प्रोजेक्ट के प्रस्ताव रखे जाएंगे। यह ऐसे प्रोजेक्ट होंगे जिनमें शहर की तस्वीर बदलने में मदद मिलेगी। बैठक 16 फरवरी को प्रदेश के विद्युत मुख्यालय शक्ति भवन में होगी। इसमें मुख्यमंत्री कमलनाथ और मंत्रिमंडल के अलावा विभागों के प्रमुख भी शामिल होंगे। बैठक को लेकर जिला प्रशासन ने तमाम तैयारियां तेज कर दी हैं। शहर में मंत्रिमंडल की बैठक तय थी लेकिन तिथि को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। शुक्रवार को शासन की तरफ से तय कर दिया कि यह बैठक अगले सप्ताह होगी और बैठक के दौरान शहर से जुड़े कामों के भूमि पूजन और लोकार्पण करवाने वाले की तैयारियां भी प्रशासन कर रहा है। महत्वपूर्ण आयोजन को लेकर प्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारी जल्द ही यहां आकर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। शक्ति भवन के संसद कक्षा में जहां बैठक होनी है वहां जाकर शुक्रवार को स्थानीय अधिकारी ने भी व्यवस्था देखी है। 5 घंटे शहर में रहेंगे मुख्यमंत्री। दोस्तों आपको बता दें 1.5 घंटे चलेगी बैठक और मुख्यमंत्री कमलनाथ कैबिनेट बैठक और दूसरे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 16 फरवरी को जबलपुर आ रहे हैं। शक्ति भवन में प्रस्तावित बैठकों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर छवि भरद्वाज द्वारा तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और इसकी व्यवस्था पूरी कर ली गई है। इसकी कुछ जानकारी जो आपके लेकर आए थे मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार द्वारा 16 फरवरी को दी जाने वाली कुछ विशेष सौगातों से लेकर कुछ विशेष जानकारियां। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय अवश्य पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक करें और लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सके। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की अपडेट न्यूज मध्य प्रदेश में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें जिससे इस तरह की अपडेट न्यूज आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। दर्शकों आज के वीडियो में इतना ही, हम फिर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।